झारखंड हमारे वीर शहीदों के बलिदान का प्रतिफल है और अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुआ था उसी की वजह से CNT और SPT कानून का निर्माण हुआ है और इस संघर्ष के बलिदान के वास्ते बिरसा मुंडा और सिद्धू मुर्मू का नाम हमेशा अमर रहेगा। उसी सिद्धू मुर्मू के खानदान से 6वीं पीढ़ी के रामेश्वर मुर्मू की हत्या 12 जून 2020 को उसके गांव भोगनाडी में किया जाता है। उसकी जांच और संदिग्ध हत्यारों पर अविलंब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने 19 जून को महामहिम राज्यपाल झारखंड को एक पत्र भेजा था, मगर दुर्भाग्य अब तक हेमंत सरकार की तरफ से जो चुस्ती दिखानी चाहिए, जो शहीदों को सम्मान देना चाहिए, शहीदों को न्याय देना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए आज 25 जून को हम लोग आदिवासी संगल अभियान और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 5 प्रदेश में एक दिवसीय सांकेतिक अनशन का कार्यक्रम अपने अपने घरों में कर रहे हैं ताकि शहीदों को न्याय मिले।